नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सीएमई यानी मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हेल्थ से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के कहर के बीच हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया। साउथ वेस्ट दिल्ली के SDM पंकज रॉय गुप्ता इवेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोरोना की गंभीरता को देखते हुए द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में सीएमई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग, SDM पंकज रॉय, हॉस्पिटल के ट्रस्टी व तमाम डॉक्टर्स मौजूद रहे। सीएमई प्रोग्राम में HPV, ओमिक्रॉन एंड वैक्सीनेशन ड्राइव व अस्थमा जैसे तमाम हेल्थ केयर से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। ये महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल को शुभकामनाएं कि उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का आज उद्घाटन किया, और आने वाली जो कोविड की कोई भी लहर यदि आती है तो उसमें इसका एक बहुत अच्छा योगदान रहेगा कि पेशेंट्स को इजीली अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो मिल जाएगी। दूसरा, अभी जैसा कि सभी को पता है कि ओमिक्रॉन जो है वो भारत पहुँच चुका है और पब्लिक में भी इस प्रकार की जागरूकता है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, तभी हम इससे बच पाएंगे। हालांकि हमारे देश की लगभग जो है वो 60% जनता जो है वो वैक्सीन ले ली है, कुछ लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं, कुछ लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं, तो उससे भी एक जो कोरोना का जो फैलाव है वो रुकेगा। तो हमारी मानवता के नाते यही एक चीज़ है कि कोविड को फैलने से रोका जाए। देखिए, आज हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमारे एरिया के जो SDM महोदय हैं पंकज राय गुप्ता जी, वो आज उद्घाटन करने के लिए आए थे इसका। और इस PSA प्लांट का हमारे रोटरी के सुरेश गुप्ता जी के सहयोग से प्लांट लगाया गया है। हमारे ट्रस्ट में ट्रेडिशन रहा है कि जो भी नए इक्विपमेंट लगते हैं उनमें समाज के किसी न किसी व्यक्ति से सहयोग लिया जाता है, और इसीलिए अग्रवाल समाज और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल इस चीज़ में बिलीव करता है कि गरीब हो अमीर हो, कोई भी पेशेंट हो, पैसा कम ज़्यादा भी है नहीं भी है तो भी उसके ट्रीटमेंट में बराबरी एक दी जाती है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स भी इसी तरह के हैं, जो अपने प्रोफेशन के साथ पूरी तरह ईमानदार हैं, और गरीब कोई व्यक्ति है उसकी सेवा करने में कभी भी कोताही नहीं बरते और अपने आप को समय समय पर अपडेट भी करते रहते हैं। अभी जो आज डॉक्टर्स ने चार विषयों पे CME रखी है, जैसे ओमिक्रॉन वायरस में जो वैक्सीन का जो असर है इसके बारे में इन्होंने आज CME रखी है। एक जो सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ का होता है उसके बारे में रखी गई। दो तीन विषय और हैं, ज़्यादा टेक्निकल मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स एक दूसरे से अपनी नॉलेज को बांटते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, एक दूसरे से ज्ञान बाँट कर, एक दूसरे से अपनी जानकारियाँ बाँट कर नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो आसपास के क्षेत्र के सभी डॉक्टर्स को हमने आज बुलाया है, जिससे कि वो जो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर हैं उन्हें भी जो हॉस्पिटल्स में नई नॉलेज है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसके बारे में पता लग सके। बता दें, देश में ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में सभी हॉस्पिटल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। महाराजा अग्रसेन का दावा है कि अगर कोरोना की थर्ड वेव आती भी है तो ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने देंगे। समाज सेवी सुरेश गुप्ता के प्रयास से ये प्लांट हॉस्पिटल को डोनेट किया गया। कि ये जो आज ऑक्सीजन प्लांट लगा है, ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो कैनेटिकट एक स्टेट है अमेरिका में, वहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के डॉक्टर्स उनके वो प्रेजिडेंट हैं, और मैं मिस्टर प्रेसिडेंट का, एंड जितने भी डॉक्टर उस के मेंबर्स हैं, चाहे किसी ने $100 दिए चाहे किसी ने $500 दिए, उन्होंने 24 लाख रुपए इकट्ठा किया और मेरे पास भिजवाए, और मैं ये उनका इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भारत के लोगों के बारे में सोचा। आपको याद होगा, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हजारों मौतें हुई थी। ऐसे में सरकार और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों अलर्ट मोड पर हैं। कोशिश यही है कि अब ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो।
यही वजह है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सभी चीजों पर बारीकी से चर्चा कर रहा है। डॉक्टर्स की रिसर्च में यह दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है। ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि इसमें मौत का खतरा ना के बराबर है, लेकिन ये सब विदेश की बातें हैं। भारत की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो खतरा काफी ज्यादा है, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।